अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं फ्रैगमेंट्स इन एंड्रॉयड पार्ट 4। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे जो है किसी फ्रैगमेंट को रिमूव कर सकते हैं बाय फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डायनामिकली रन टाइम पर हम कैसे फ्रैगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं और ट्रांजेक्शन के साथ हम फिर ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। उसी तरीके से हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम रिमूव कैसे कर सकते हैं किसी फ्रैगमेंट को, ठीक है? तो रिमूव करना देखेंगे। तो ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, बस छोटी सी एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया कि ये जो कस्टम फ्रैगमेंट्स का लास्ट वीडियो में हमने एक पैकेज बनाया था। आप पैकेज बनाए या ना बनाए, इट्स अप टू यू। लेकिन बेसिकली जिधर भी आप चाहते हैं कि मैंने फ्रैगमेंट ऐड करना, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक कर दे। जैसे मैं अपने इस वाले फ्रैगमेंट में ऐड करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके न्यू, और यहाँ पर हमारे पास आता है फ्रैगमेंट, और यहाँ से ब्लैंक फ्रैगमेंट सेलेक्ट कर दे। क्योंकि अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम किसी लिस्ट फ्रैगमेंट या किसी और तरह के फ्रैगमेंट पे काम नहीं कर रहे, बस ब्लैंक फ्रैगमेंट बनाना चाहते हैं एम्प्टी। और फिर मैंने फ्रैगमेंट बनाया है, तो फ्रैगमेंट बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा कोड था वो मैंने हटा दिया, सिर्फ पब्लिक कंस्ट्रक्टर जो कि मस्ट रिक्वायर्ड होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो हम रहने देते हैं। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, अगर इसको मैं रिमूव भी कर दूं तो कोड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये कि पब्लिक कंस्ट्रक्टर रहने दिया जाता है। अगर मैं किसी भी क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद डिफ़ाइन करता हूं, जैसे यहाँ पर है, तो फिर भी वो काम करता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर मैं ना भी करूँ तो फिर भी बाई डिफ़ॉल्ट उसका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उस क्लास के साथ ऑटोमेटिकली बाइंड कर देता है लैंग्वेज हमारे लिए कंपाइलर। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने सिंपल जो इस फ्रैगमेंट की जावा क्लास है उसके अंदर सिर्फ ऑन क्रिएट व्यू का मेथड अभी मौजूद है, और मैंने बाइंडिंग अप्लाई की हुई है। सिंपल बाइंडिंग कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट हम कॉल करते हैं और फिर लेआउट इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है, जो एक्टिविटी के साथ बाइंड होता है। इसी तरीके से फ्रैगमेंट के साथ जैसे ही ऑन क्रिएट व्यू कॉल होता है तो पैरेंट का लेआउट इन्फ्लेटर, मतलब उसी एक्टिविटी का लेआउट इन्फ्लेटर इस फ्रैगमेंट के लिए आ जाता है, व्यू ग्रुप आ जाता है, और बंडल सेव इंस्टेंसेस, इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो में कवर करेंगे कि ये चीज़ क्या है। तो एज सच अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बाइंडिंग को फिर हम इनिशियलाइज़ करते हैं, जैसे एक्टिविटी मेन के लिए हम करते हैं, तो इसी तरह फ्रैगमेंट माई बाइंडिंग जो कि हमारे फ्रैगमेंट का नाम है, माई फ्रैगमेंट डॉट इन्फ्लेट, और फिर लेआउट इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो लेआउट इन्फ्लेटर ऑलरेडी हमें यहाँ इसी मैथड के अंदर मिल रहा है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इन्फ्लेटर पास कर दिया। और हमें जैसे कि आप देख सकते हैं रिटर्न करना होता है व्यू, तो मैं यहाँ पर बाइंडिंग डॉट गेट रूट, तो जो रूट व्यू होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ये अब मैं मेन एक्टिविटी की तरफ जाता हूँ। मेन एक्टिविटी में हमने क्या कर दिया है कि दो बटन ऐड किए हुए हैं, एक है ऐड फ्रैगमेंट और एक है रिमूव फ्रैगमेंट। जो ऐड फ्रैगमेंट का बटन है वो हमारे पास यहाँ पर, अगर नीचे मैं आ जाता हूँ तो मैंने एक फ्रेम लेआउट भी ऐड किया हुआ है जो इस स्क्रीन को, रिमेनिंग जितनी भी स्क्रीन है उसको कवर कर रहा है, और उसकी आईडी मैंने फ्रैगमेंट कंटेनर रखी हुई है। तो जैसे मैं ऐड फ्रैगमेंट पर क्लिक करूँगा तो इसकी जगह पर ये जो माई फ्रैगमेंट है इसका लेआउट, ये वाला, ये इसके ऊपर इन्फ्लेट हो जाएगा, मतलब ये इसके ऊपर ऐड हो जाएगा ये फ्रैगमेंट। और जैसे ही मैं मेन एक्टिविटी पर रिमूव के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये फ्रैगमेंट वहाँ से रिमूव हो जाएगा और वो कंटेनर एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है? तो शुरू कर लेते हैं। यहाँ से मैं जाता हूँ और ऐड फ्रैगमेंट के कोड के अंदर, और यहाँ से जैसे कि आपको पहले से ही मैंने बताया हुआ है, तीन स्टेप्स होते हैं। फ्रैगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट गेट करते हैं पहले, तो गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बिगेन ट्रांजेक्शन और डॉट, अब ऐड नहीं कर रहे, अब सॉरी ऐड मैं कह रहा हूँ, हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड फ्रैगमेंट पे हम सिंपल ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम आर्गूमेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, आर डॉट आई डी डॉट फ्रैगमेंट कंटेनर, उस कंटेनर की आईडी पहले रिसोर्स आईडी पास करते हैं जहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं। तो ये मेन एक्टिविटी का वो फ्रैगमेंट है, वो फ्रेम लेआउट का आईडी है जहाँ पर हम फ्रैगमेंट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर ये, ठीक है? और सेकंड आर्गुमेंट जो कि हम देते हैं फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट तो मैं यहाँ टॉप पर बना देता हूँ, और आप चाहें तो आप यहाँ भी अनोनिमस ऑब्जेक्ट ऐसे करके माई फ्रैगमेंट ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? और डॉट कमिट, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका फ्रैगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट भी आ गया, अनोनिमस ऑब्जेक्ट, आपने कोई नाम नहीं रखा हुआ, और ट्रांजेक्शन भी आपने कोई नाम नहीं रखी, अनोनिमस ट्रांजेक्शन के साथ स्टार्ट हो जाएगी, और फिर उसका एक मेथड है ऐड,
उसके थ्रू फ्रैगमेंट कंटेनर और फ्रैगमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो हम पास कर देते, तो फ्रैगमेंट ऐड हो जाएगा और फिर कॉमेट कॉल करके उसको फाइनलाइज कर देगा इस ट्रांजेक्शन को। अब हम जब रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, ठीक है, डॉट बिगेन ट्रांजेक्शन, डॉट आगे मैं लिखूंगा रिमूव, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर फ्रैगमेंट पास करूंगा डॉट कमिट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट पास करूंगा जो कि मुझे रिमूव करना है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर ही था, ये अनोनिमस था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉप लेवल पे अगर मैं यहाँ आता हूँ तो टॉप लेवल पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा माई फ्रैगमेंट का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसको मैं नाम दे देता हूँ फ्रैगमेंट, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ ना, ये यहाँ के बजाय मैं यहाँ कर दूंगा ऐसे करके, फ्रैगमेंट इक्वल न्यू फ्रैगमेंट, सॉरी फ्लोट नहीं, फ्रैगमेंट, बल्कि माई फ्रैगमेंट, क्योंकि हमारे फ्रैगमेंट का नाम माई फ्रैगमेंट है। ये हो गया। और यहाँ पर मैं ये ऑब्जेक्ट जिधर ये मैं पास कर रहा हूँ ना, तो इधर मैं फ्रैगमेंट लिख दूंगा, ठीक है, फ्रैगमेंट लिख दूंगा। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमने रिमूव करना ना, जो फ्रैगमेंट रिमूव करना, तो वो फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने ऐड के थ्रू ऐड किया होगा, तो यहाँ पर उसको हम रिमूव कर सकते हैं और कमेंट कॉल करके वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और सिनेरियो हो सकता है कि हमने जैसे एक्टिविटी रन हो गई और ऐड किया ही नहीं और हम रिमूव के बटन पर क्लिक कर दें, तो इस वक्त फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज तो नहीं हुआ हुआ, सोचने वाली बात है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक्टिविटी रन होती है और आप रिमूव रिमूव के बटन पे, जो कि ये वाला बटन है, रिमूव वाले पे क्लिक कर देते हो, तो अभी अगर रिमूव वाले पे क्लिक कर देते हो तो ये तो ऐड के बाद इनिशियलाइज हो रहा है, ऐड के बटन पे क्लिक करके ही इनिशियलाइज हो रहा है ना फ्रैगमेंट। तो यहाँ पर हम एक चेक लगाएंगे कि अगर फ्रैगमेंट डजेंट इक्वल नल है, कि मतलब वो ऑलरेडी मौजूद है, इनिशियलाइज हुआ हुआ है, तो तब ये कोड चले, अदरवाइज ना चले, ठीक है। ये हो गया। और अब मैं क्या कर देता हूँ, अपने एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, बस इतना सा कोड था। बस यहाँ पर ये जो चेक लगा हुआ है ना, ये मैंने आपको जैसे कि बता दिया पहले से ही, कि जब तक फ्रैगमेंट नल है तो ये नहीं चलेगा। तो जब फ्रैगमेंट नल नहीं है, इसका मतलब कि ऑलरेडी फ्रैगमेंट ऐड हुआ हुआ है स्क्रीन पे, तो फ्रैगमेंट कंटेनर के अंदर, तभी वो हम उसको रिमूव करेंगे। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जैसे ही एक्टिविटी रन होती है तो फ्रैगमेंट ऐड नहीं होता, तो अगर हम रिमूव पर क्लिक भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैं देखिए रिमूव पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि फ्रैगमेंट ऐड ही नहीं है। अदरवाइज़ अगर मैं ये नल चेक ना लगाता ना, तो यहाँ पर ये क्रैश कर जाती एप्लीकेशन। तो मैं सबसे पहले तो ऐड कर लेता हूँ, और ऐड हो गई है हमारी एप्लीकेशन में, फ्रैगमेंट ऐड हो गया। अब मैं रिमूव पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास वो फ्रैगमेंट वापस रिमूव हो गया और स्क्रीन हमारे पास जो कंटेनर था वो खाली हो गया। अब मैं दोबारा से ऐड कर देता हूँ, और फ़र्ज़ करें इस टाइम मैं अपनी जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज हो गई स्क्रीन की, पहले पोर्ट्रेट मोड में था, अब लैंडस्केप में है। तो फ्रैगमेंट तो ऐड है, लेकिन जैसे ही अब मैं रिमूव फ्रैगमेंट पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है। इसकी वजह क्या है, मैं आपको अभी बता देता हूँ इसकी वजह क्या है। देखिए अभी भी अगर मैं रिमूव करूँगा तो ये रिमूव नहीं होगा, उसकी वजह क्या है, देखिए जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही हमारी ओरिएंटेशन चेंज होती है, तो एक्टिविटी का सारा जो मेथड होता है ना, ऑन क्रिएट, ये लाइफ साइकिल फिर से शुरू हो जाती है, ऑन क्रिएट दोबारा से कॉल होता है, ठीक है। तो हमने जो ये ऑन क्रिएट जैसे ही कॉल होगा और ये आईडीज दोबारा से इनिशियलाइज होंगी, मतलब ऐड रिमूव फ्रैगमेंट और ये सारा, तो उसके साथ साथ ये जो फ्रैगमेंट इनिशियलाइज हुआ था तो इसकी जो स्टेट है वो भी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसका मतलब कि ये फ्रैगमेंट दोबारा से नल हो गया, तो दोबारा से नल होने के बाद अब ये यहाँ पर डजेंट इक्वल नल फॉल्स हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो नल हो चुका है। ओरिएंटेशन चेंज होने पे ऑन क्रिएट दोबारा से कॉल हो जाता है, एक्टिविटी रिक्रिएट होती है वापस। तो इस चीज़ को भी हम कैसे दूर कर सकते हैं, अगर हमने रिमूव करना है फ्रैगमेंट तो हम कैसे दूर कर सकते हैं, देखिए ऐसे दूर कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ये तो एज इट इज़ है, चलो ठीक है, सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट हम फ्रैगमेंट हमारे पास हम गेट कर रहे हैं ना, एक तो तरीका ये कि हम ऐसे ही ऐड कर दें, लेकिन जो अभी फ़िलहाल का हम तरीका यूज़ करेंगे, हम करेंगे गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट फाइंड फ्रैगमेंट बाई आईडी, और या फिर फ्रैगमेंट बाई टैग, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जैसे ही हम एक्टिविटी रिक्रिएट करेंगे तो एक्टिविटी दोबारा रिक्रिएट होगी, लेकिन फ्रैगमेंट मैनेजर को
जो है उसको पता होगा कि कौन से फ्रेगमेंट की जो आईडी है वो मैंने ऐड की हुई थी, ठीक है, किस फ्रेगमेंट आईडी पे मैंने कोई फ्रेगमेंट ऐड किया था या किस टैग के साथ मैंने फ्रेगमेंट को ऐड किया था। इन दोनों तरीकों को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं दोनों करके बता देता हूँ। फ्रेगमेंट आईडी से क्या होता है कि मैं उस रिसोर्स की आईडी बताता हूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं एट द रेट ऑफ आईडी रिसोर्स इंट आईडी, उस रिसोर्स की आईडी बताता हूँ जहाँ पर फ्रेगमेंट ऐड करना है मैंने, ठीक है। तो उसका फ्रेगमेंट मुझे क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा यहाँ पर, सही है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर दूंगा आर डॉट आई डी डॉट और क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट कंटेनर, सही है। और क्या कर दूंगा कि इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे करके क्लोज कर देता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो है टाइप कास्टिंग का एरर देने लग गया है। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो ये पहला जो ऑप्शन है कास्ट टू कॉम डॉट एग्जाम्पल मेरे पैकेज का नेम और आगे फ्रेगमेंट का नेम है। तो जैसे मैं इसको इसमें कास्ट कर दूंगा तो ये इसके अंदर मेरे पास ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये फ्रेगमेंट मैंने इधर ऐड किया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर रिमूव, ओ सॉरी, बल्कि यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं, बल्कि ये तो रिमूव करते वक्त मुझे करना था। मैं समझा मैं रिमूव वाले फ्रेगमेंट पे काम कर रहा हूँ, मतलब बटन पे। तो यहाँ पर ये इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पर न्यू फ्रेगमेंट ही रहेगा, मतलब न्यू माई फ्रेगमेंट ही रहेगा। एडिशन करते वक्त तो हम कुछ नहीं कर रहे, बस सिंपल एक फ्रेगमेंट ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मुझे ये करना पड़ेगा कि फ्रेगमेंट इक्वल और आगे ये चीज़ कर दूंगा, ठीक है, सही है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव करते वक्त, ऐड करते वक्त तो सिंपल वही होगा कि मतलब हम फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे और उसको एज इट इज़ हम ऐड कर रहे, ठीक है। लेकिन जो फ्रेगमेंट रिमूव करते वक्त है, तो फ्रेगमेंट रिमूव करते वक्त हम सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर को कॉल करेंगे और उसके अंदर चेक करेंगे कि क्या ये जो कंटेनर है, ये कौन सा कंटेनर है, फ्रेगमेंट मेन के अंदर जो कंटेनर है इसके ऊपर कोई फ्रेगमेंट है या नहीं। तो जब है तो वो रिटर्न कर देगा उसको किस फॉर्म में, माई फ्रेगमेंट की टाइप कास्ट कर देगा। तो माई फ्रेगमेंट के फॉर्म में वो कन्वर्ट करके मुझे फ्रेगमेंट में दे देगा। फिर आगे ये नल चेक जो है मस्ट है, क्यों, क्योंकि अगर फ्रेगमेंट मौजूद ही नहीं है फर्स्ट टाइम के लिए तो ये फ्रेगमेंट नल आ जाएगा, और जैसे ही नल आएगा तो ये नहीं चलेगा, और अगर नल नहीं है मतलब पहले से ही फ्रेगमेंट मौजूद है तो ये रिमूव कर देगा उसको। तो अब मैं जाता हूँ और यहाँ पर दोबारा से एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेगमेंट बाई टैग किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो अब मैं अपने फ्रेगमेंट को ऐड कर देता हूँ। फ्रेगमेंट को जैसे ही मैंने ऐड किया मैं ओरिएंटेशन चेंज कर लेता हूँ, ओरिएंटेशन भी चेंज हो गई। अब मैं रिमूव पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास फ्रेगमेंट रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मतलब उसकी जो वर्किंग है उस पर नॉर्मल जो वर्किंग होती है उसी तरह ही वर्किंग हो रही है। तो अब यह था फ्रेगमेंट बाई आईडी, रिमूव फ्रेगमेंट बाई आईडी। अब बाई टैग कैसे करते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं हम ऐड करते हैं ना, तो ऐड करते हैं फर्स्ट आर्गूमेंट हमने पास कर दिया कंटेनर की आईडी, सेकेंड आर्गूमेंट हमने फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो जैसे ही मैं इस पर कॉमा लगा के कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास ये ओवरराइडेड मेथड है, ओवरलोडेड, सॉरी, ओवरलोडेड मेथड है, तो उसमें हमारे पास टैग भी आ रहा है स्ट्रिंग में। तो ये एक तरह से पहचान करता है सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर के अंदर कि कौन से स्ट्रिंग का, कौन से फ्रेगमेंट का क्या टैग है, एक यूनिक नेम होता है, बल्कि हर, इस तरह से समझ ले इस बात को, हर फ्रेगमेंट का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोई टैग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं ऑब्जेक्ट फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट ऐड करने लगा हूँ तो ऐड करते वक्त मैं कोई टैग ऐड कर देता हूँ, लेट से माई फ्रेगमेंट, सॉरी, एम टी फ्रेगमेंट टैग, ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं जब इसको, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो फाइंड फ्रेगमेंट बाई टैग नहीं, सॉरी, बाई आईडी नहीं, बल्कि मुझे पास करना पड़ेगा फाइंड फ्रेगमेंट बाई टैग, और एग्जैक्ट वही वाला टैग मैं पास करूँगा जो कि हमारे पास हमने ऐड करते वक्त ऐड किया था, ठीक है। फ्रेगमेंट ऐड करते वक्त हमने टैग यूज़ किया था। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ कर दूँ तो मेरे पास वो फ्रेगमेंट यहाँ पर गेट नहीं होगा। अब अगर मैं एप्लीकेशन को दोबारा से रन करूँ तो मेरे पास सेम वही वर्किंग फंक्शनलिटी होगी जो कि फाइंड फ्रेगमेंट बाय आईडी के थ्रू हो रही थी। बस बताने का मकसद ये कि आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर हम फ्रेगमेंट बाई आईडी जो है वो यूज़ करते हैं। मैंने फ्रेगमेंट को ऐड कर दिया, रोटेशन चेंज कर दी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, रिमूव फ्रेगमेंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट उसी मैनर में काम कर रहा है जैसे हमारे पास फाइंड फ्रेगमेंट बाय आईडी से काम कर रहा था।
तो बस बेसिकली आपको समझना इस वीडियो में ये था कि एडिशन तो उसी तरह ही है सिंपल, लेकिन रिमूव करते वक्त हम क्या करते हैं कि हम सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर को कॉल करते हैं, तो सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर जो है उसके अंदर हम फाइंड बाय आईडी भी कर सकते हैं, फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी और फाइंड फ्रैगमेंट बाय टैग भी कर सकते हैं। आईडी करते वक्त हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन ये फ्रेम लेआउट है या कोई भी लेआउट हो सकता है यहाँ पर, जिसके अंदर हम फ्रैगमेंट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी आईडी पास करते हैं, तो सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर उस फ्रैगमेंट को चेक कर देगा कि उसके अंदर हमारे पास कोई फ्रैगमेंट जो ऐड है उसको रिटर्न कर देगा, और किस फॉर्म में रिटर्न कर देगा, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म का फ्रैगमेंट उसके अंदर ऐड हुआ हुआ है उसमें टाइप कास्ट करके। तो हमने ये ऐड किया था उसके ऊपर, ठीक है, फ्रैगमेंट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर के ऊपर, तो वो मुझे इस फॉर्म में रिटर्न कर देगा और फिर मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ, चाहे ओरिएंटेशन चेंज भी हो जाए तो फिर मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। अदरवाइज ओरिएंटेशन चेंज होने पे हमारी जो एक्टिविटी है वो रिक्रिएट हो जाती है और तमाम जो ये रेफरेंसेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम फिर ऐड और रिमूव नहीं कर सकते अगर हम ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। लेकिन इस तरीके से हमारे पास हम ओरिएंटेशन चेंज होने के बाद भी अपनी जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।